गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में शासन प्रशासन की मनमानी और तानाशाह रवैये के विरुद्ध आदिवासी समाज के लोग लामबंद होते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग एक विशाल रैली के साथ धरना स्थल पहुंचे और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अगर सार्थक निर्णय सामने नहीं आने पर आगे और विशाल और उग्र प्रदर्शन करने की बात कही गई है। गौरेला में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में आज आदिवासी समाज के लोग जोगी डोंगरी गांव से एक विशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग गौरेला के ज्योतिपुर स्थित धरना स्थल पहुँचे, जहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन पर मनमानी और तानाशाह रवैये का आरोप लगाया है। साथ ही कई मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया है। वहीं उनकी मांग है कि उनके द्वारा जो भी शिकायतें या फिर समस्या को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जे को लेकर शिकायतें बतलाई गई हैं। वहीं रैली और धरने की अगुवाई कर रहे हैं गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष रितु पंद्रम की माने तो आज सिर्फ उनका धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अगर उसके बाद प्रशासन उनके मामले में गंभीरता से नहीं सुनता तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। सबसे पहले तो ज्यादातर लोग यहाँ पे किसान ही हैं और ज्यादातर लोगों की समस्याएं वन अधिकार पट्टे को लेकर है, और जब से जिले का गठन हुआ है तो जमीनों के मामले में इतनी धांधली हो रही है। पांचवी अनुसूची क्षेत्र है ये, लेकिन कई पीढ़ियों से काबिज जो किसान हैं उनको आज तक वन अधिकार के तहत कोई पट्टा दिया नहीं गया है। ऊपर से जो उन पे किसी और व्यक्ति के द्वारा, चाहे आदिवासियों की जमीन है तो गैर आदिवासियों के द्वारा वहाँ पर कब्जा उनके नाम का पट्टा बन जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रमुखता से अगर हम लोग देखते हैं तो ये समस्याएं हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएँ हैं जिनको लेकर जो है आज का हमारा आंदोलन। आंदोलन केवल ज्ञापन तक ही सीमित है कि इसके आगे की भी कोई रूपरेखा तैयार की गई? जी हाँ, आज का जो आंदोलन है हम लोग चाहते हैं कि जो निर्णायक फैसला हो वो प्रशासन के द्वारा लिया जाना चाहिए। और अगर ये तो एक हम लोग सोच रहे हैं कि आज का जो आंदोलन है एक सांकेतिक आंदोलन है कि जो भी जनसमस्याएं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक दिन तय किया है, तो उस दिनांक पे हम लोग इस आंदोलन और जो जन प्रदर्शन है वो अब फिर अलग अगर रूप ले सकता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। गौरेला पिंडरा से तनवीर आलम, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।